हेलो गाइस, तो क्या हालचाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ हनुमान जी के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैं पहले जिम गया था, जिम आने के बाद मैं नहाया हूँ, नहाने के बाद मैं जा रहा हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं फिर जाऊँगा, पहले अपनी डाइट प्रिपेयर करूँगा शाम तक की। मैं जाऊँगा फिर रुड़की, फिर बहादुराबाद, शीशे वगैरह पता करने हैं, सारा काम पता करना है। तो जो भी होगा आज के दिन वो आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद ये भी दिखाने जा सकते हैं बहादुराबाद, क्योंकि एक दो दिन से टाइम बिल्कुल नहीं लगा इसको दिखाने के लिए। तो आज जो भी होगा गाइस, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। तो गाइस मिलते हैं बाद में। अभी मैं पहुंच गया हूं मंदिर पर, यहां पर ये सेनदेव जी का मंदिर है और यहां पर सामने आ जाएगा गाइस हनुमान जी का मंदिर। आज ट्यूजडे है। ये रहा गाइस, तो गाइस मिलते हैं अब प्रसाद चढ़ाने के बाद। तो भाइयों, अब मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से घर। सबसे पहले अपनी डाइट लेता हूँ, क्योंकि जिम से आने के बाद मैंने डाइट नहीं ली है, क्योंकि आपको पता है मेरा प्रोटीन खत्म हो रखा है। और फिर मैं करता हूँ अपनी डाइट प्रिपेयर, फिर मुझे जाना है बाहर आज। तो मैं पूरे दिन की डाइट अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मील हो सकती है मैं अपने साथ लेके चलूँगा साथ में, कि मुझे डाइट की प्रॉब्लम ना हो, मैं आराम से अपनी डाइट कहीं भी रोककर गाड़ी खा सकता हूँ आराम से। तो अब चलते हैं जल्दी से घर, पापा जी वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना अब डाइट बना लेता हूँ, तो मिलता हूँ मैं आपसे डाइट बनाने के बाद। तो गाइस, आज मैं रुड़की हरिद्वार नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि शायद आज कुछ काम है घर पर, अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वो बाद में पता चलेगा आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे सीढ़ियाँ लगेंगी ऊपर चढ़ने के लिए बाहर से, और जो गेट लगेगा वो कैसा बना है। मैं अभी दिखाता हूँ, मैं आ गया भाई की शॉप पर, चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये हमारा जो बाहर से चढ़ेंगे, और ये वाला हमारा गेट है। ये सोते सोते ही दूध पीती है हमेशा। अगर ये उठी हुई हो और इसको दूध पिलाएं तो ये दूध नहीं पीती है। अभी ये सो गई है और ये तब जाकर दूध पी रही है। तो गाइस, इसने दूध कंप्लीट कर दिया पूरा। और इसमें एक और बात है, अगर एसी ना चले तो इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। एसी चल के इसको चाहिए ब्लैंकेट, जिससे कि इसको ठंड ना लगे। ये सो गई है और दूध पूरा इसने कंप्लीट कर दिया है। मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, लाइट्स में ऑफ कर दें, बच्ची एक भी डर जाए उठी। ये सो गई है, दो दिन फिनिश कर दिया इसने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे कंप्लीट काम कितना हो चुका है। कल मैंने आपको नहीं दिखाया, आज जो है तो मैं सारा काम आपको दिखा देता हूँ कि काम कितना कंप्लीट हो चुका है। आज मैं कहीं नहीं जाऊँ, पहले प्लान था बहादुराबाद और रुड़की जाने का, वो कैंसिल हो गया, क्योंकि घर पर जो लाइटिंग वाला मिस्त्री था वो आने वाला था, फिर लाइटिंग वाले से पूरी बात हो गई, कल से लाइटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि नीचे कंप्लीट पूरा काम कितना हो चुका है, आप चलते हैं नीचे। भाइयों, अब मैं दिखाता हूँ जो गाय की साइड काम चल रहा था वो यहाँ पर काम कितना कंप्लीट हो चुका है। पहले आप पहले काम देख लीजिए एक बार, मैं दिखाऊँ। ये इधर सारे पिलर पूरे के पूरे खड़े हो चुके हैं,
इस यहाँ से और इस वाले पिलर पर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगी ऐसे, यहाँ से ऐसे चढ़ेंगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये सीढ़ियों का काम कंप्लीट हो जाएगा। कल ये जो ये हैं सारे सिमट के, ये कल कंप्लीट हो जाएंगे सारे। कल कंप्लीट होने के बाद में कल यहाँ पर शायद मेन गेट भी लग जाएगा। मेन गेट बन के तैयार हो चुका है और जो बाहर सीढ़ियाँ लगनी है वो भी तैयार हो चुके हैं, मैंने आपको दिखाई दिया है। तो जो यहाँ पर कल वो टीन वगैरह पड़े थे वो हट चुके हैं यहाँ से। अभी सारे पिलर कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर छत डल जाएगी और सीढ़ियाँ बन जाएगी और यहाँ पर मेन गेट लग जाएगा। फिर जो हमारी गायें गाँव में है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा अगर एक दो दिन में गाँव में गया, तो जो हमारी गायें यहाँ पर रहती थी वो फिलहाल गाँव में है, जो गाँव में ऐसे ही बना पड़ा, अरे कहना क्या चाहते हो, बना हुआ पड़ा है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अगर मैं एक दो दिन में गाँव में गया तो। आज जाने का प्लान था मगर आज मैं नहीं गया हूँ क्योंकि पापा जी को कुछ काम था, भैया पहले ही गांव में चले गए थे। मैंने सोचा कि सब गांव में नहीं जा सकते क्योंकि एक बंदा यहां पर भी चाहिए, कुछ भी एकदम ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी काम के लिए, तो इसलिए मैं घर पर रुका हुआ हूं। तो गाइस सब देख लिया अपने, यहां पर इतना काम कंप्लीट हो चुका है। कल मैंने आपको नहीं दिखाया था कि यहां पर कितना काम हो गया है, तो कल लाइटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कल कि क्या काम स्टार्ट होगा, कितना सामान आएगा कल, कैसे कैसे काम होगा। फिर एक दो दिन बाद या चार पाँच दिन बाद कलर का काम होगा पहले, और फिर शीशे वगैरह का काम बाद में होगा। तो आपको मैं दिखाता रहूँगा कि क्या का काम कैसे कैसे होगा। चलते हैं तो गाइस आज का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। आज कुछ इतना खास दिखाने के लिए नहीं था क्योंकि मैं आज बाहर नहीं गया हूँ, बाहर जाने का पूरा प्लान था बट फिर सारे प्लान चेंज हो गए। तो अभी टाइम हो चुका है 6:15 और मैं ले रहा हूँ एक 1 स्कूप बिग मसल की प्रोटीन भी। इससे क्या होगा कि जो मेरा प्रोटीन वगैरह भी ख़त्म हो रखा है ये उसकी जो डेली डोजेज है वो कंप्लीट कर देगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि 26 ग्राम प्रोटीन है और ग्लूटीन फ्री है जो कि मेरे शाम की जो मील है उसको कंप्लीट कर देगा। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो या बाहर जाते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी मील स्किप होगी ये उसकी प्रोटीन की या कार्ब्स की जो भी सोर्स होगी उसको कंप्लीट पूरा कर देगा। तो इसे आप 300 ग्राम पानी के साथ 1 स्कूप को ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मील होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग डेली के पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि तुम्हारी क्या सोच है ब्लॉग को लेकर, क्या तुम देखना पसंद करते हो, क्या तुम ब्लॉग में चेंजिंग चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और जो भी कल होगा वो कल आपके साथ शेयर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे कल मेरे ब्लॉग के साथ।